जहां तिलकहर ब्लॉक के ग्राम राजपुरा में भोजन वितरण जारी रहा, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह के नेतृत्व में लॉकडाउन के 40वें दिन भी लगातार गांव-गांव घर-घर जाकर अपनी सेवा मुहैया कर रहे हैं। सक्षम न्यूज इंडिया के शाहजहां ब्यूरो चीफ ने की लखन प्रताप से खास बातचीत, देखिए ये रिपोर्ट। मैं आज शाहजहांपुर के तिलहर ब्लॉक के ग्राम रजपुरा में खड़ा हूं और आज लगातार आज 40वां दिन है। मेरे नगर महासचिव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, मैं आज फिर से इनसे बात करता हूं। आज ग्राम रजपुरा में आए हुए हैं और पता करता हूं कितने लोगों का खाना वितरण किया है और आगे कब तक इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। वैसे जो आज ग्राम में यहाँ तिलहर ब्लॉक रजपुरा में आए हैं आप और खाना वितरण किया, आज 40 दिन हो गए हैं, किस तरीके से आगे आपका ये कार्यक्रम चलता रहेगा? अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे जनपद में हर जगह जाएंगे, देखेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनको सरकार कुछ मदद दे रही है। लॉकडाउन खोले से कोई फ़ायदा नहीं है, लॉकडाउन जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, जो दिल्ली या फरीदाबाद में मजदूरी कर रहे थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? उनके लिए डेली कमाने का खाने का कोई जरिया जिले में दे रही है? अगर उनको इस टाइप का कोई जरिया नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या खाएंगे? अगर सरकार उनको खाने पीने की व्यवस्था करती है तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, अन्यथा हमारा बराबर ऐसे चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन, अभी 17 मई तक है, 17 मई तक बराबर चलेगा। और सरकार के कोई जनप्रतिनिधि, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे चैनलों के माध्यम से कर चुके हैं, कोई जनप्रतिनिधि सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो 10-10 साल से बाहर नौकरी कर रहे थे, ऐसे लोगों को बगैर राशन कार्ड के मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग की थी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मांग की थी कि ऐसे परिवार हैं जिनके पास आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं है, इनको राशन दिया जाए, इनको खाने का भोजन दिया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार अगर व्यवस्था कराती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन बराबर जारी रहेगा। दूसरा, सरकार ने इस समय जो दारू की दुकानें खोल रखी हैं, आप देख रहे हैं आज पहला दिन है दारू की दुकानें पूरे जिले में खुली हुई हैं, हमारे जिले में शाहजहांपुर में, किस तरीके से लॉकडाउन टूट रहा है, लॉकडाउन का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से बताया है कि दारू की दुकानों को भी लेकर कुछ कहा है और बाकी दारू की दुकानें जो आज से खुली हैं और लॉकडाउन की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसे में देखना क्या है कि आगे देखते सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर? शाहजहांपुर से राहुल अवस्थी, ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।